लंबे समय से मनमानी कर रहे इसराइल पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, और ये भी देखने को मिल सकता है कि ये काफी हद तक सीज फायर के लिए भी तैयार दिखे। दरअसल इसराइल और हमास की लड़ाई में इसराइल को इतने महीनों के युद्ध में कोई बड़ी सफलता मिली नहीं, बल्कि इन हमलों में मारे गए और बंदी बनाए गए लोगों के परिजनों की नाराजगी वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भी गाजा में युद्ध रोकने के लिए नेतन्याहू पर लंबे समय से कई तरह के दबाव हैं, लेकिन इसके बाद भी नेतन्याहू युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके पहले इसराइल के मददगार अमेरिका ने खुद युद्ध रोकने के लिए कई प्रयास किए, यहाँ तक कि उसने युद्ध ना रोकने की हालत में कुछ समय के लिए इसराइल की मदद ही रोक दी थी। इसके अलावा भी अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव तैयार किया, हालांकि इसराइल पर ना तो किसी दबाव का असर पड़ा और ना अमेरिकी धमकी का। अब अमेरिका एक बार फिर कड़ाई से युद्ध रोकने की तैयारी में है। अमेरिकी अधिकारी हमास और इसराइल के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली को लेकर एक अंतिम प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह भी साफ कर दिया कि ये प्रस्ताव कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि इसे अपना लो चाहे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रस्ताव का उद्देश्य शेष बंदियों की रिहाई सुनिश्चित करना है और इसमें गाजा के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर तत्काल राहत शामिल होगी और युद्ध भी रुकेगा। हालांकि अभी ये नहीं पता चल सका है कि इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से कब प्रस्तुत किया जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को सीरियस लेने के लिए अभी से हिंट दे दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री सौदा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं, यानी अब नेतन्याहू को इस प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण तलाशने होंगे। इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए अमेरिका अपने अन्य प्रयासों में भी लगा है। आपको बता दें कि 6 इजरायली बंदियों की हाल ही में हुई मौत के बाद अमेरिका समझौते के लिए और एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि उस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन के लोग इस युद्ध के रुकने का अब और इंतजार नहीं कर सकते। अमेरिकी विदेश विभाग का इशारा भी साफ है कि इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों को स्वीकार करना होगा। उसका कहना है कि किसी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना होगा। उनके मुताबिक दोनों पक्षों को नए प्रस्ताव को ना कहने के बजाय हाँ कहने के लिए कारणों की तलाश करनी होगी। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इसराइल ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से सैनिकों को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी है। जॉन किर्बी के मुताबिक ये वो प्रस्ताव है जिस पर इसराइल सहमत हुआ था। इस बीच हमास ने किसी भी समझौते के लिए अपनी प्रमुख मांगों को एक बार फिर दोहराया है। उसकी मांगों में एक स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली कब्जे वाले बलों को पूरी तरह से वापसी और विस्थापित निवासियों की उनके घरों में वापसी शामिल है। अब आगे ये देखना होगा कि अमेरिका के इस नए प्रस्ताव और सीज फायर के प्रयासों पर इसराइल और हमास कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर दोनों अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो फिर एक युद्ध खत्म होता दिखेगा।